अंदर डालना है पानी के। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में कुछ अजीब करने जा रहा हूँ, मतलब अजीब नहीं, कुछ लोगों ने किया भी होगा। आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ आइस बाथ। आज मेरा दिमाग पता नहीं क्या चला, खुराफाती आइडिया आ रहा है दिमाग में, तो मैं बाहर जा रहा हूँ स्टोर में आइस लेने के लिए, और बाथ टब में पूरा पानी फिल करके आइस भर के आज लेते हैं आइस बाथ। तो देखते हैं कैसा रहता है और देखता हूँ मैं कितने मिनट टिक पाता हूँ आइस बाथ के लिए। मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के लिए सोच रखा है, 5 मिनट तो लूँगा और बाकी देखते हैं, अपनी लिमिट पुश कर दूँगा कितनी, 5 मिनट या 10 मिनट तक कर सकता हूँ यानी, वो मेरे ऊपर है। तो चलते हैं बाहर आइस लेने के लिए। शुक्र है, हाँ चल गई, शुक्र है भगवान का आज बाहर निकली है धूप। बाहर तो ठंड नहीं लग रही, ठंड है माइनस नहीं, सॉरी 2 या 3 डिग्री होगा, और धूप भी निकली है आज, सूरज चाचा निकले हुए आज, वाह मेरी किस्मत अच्छी है। तो अब चल जा रहा हूँ मैं आइस की तरफ, देखते हैं कहाँ मिलती है मेरे को आइस। स्टोर जा रहा हूँ मैं, अपने डेली स्टोर में मिल जाएगी या फिर फूड मार्ट वगैरह हमारे यहाँ पे है वो मिल जाएगी, देखता हूँ। वैसे ही आज अच्छी धूप निकली है, रियली सच में अच्छी धूप निकली है, बस हवा चल रही है ना, हवा में ठंडा है। यहाँ पे यूएस का पता नहीं, यूएस का तो पता नहीं, बट न्यूयॉर्क में ये सीन है कि हवा की ठंड है, अगर यहाँ पे हवा नहीं है ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और एक सीन और देखा है मैंने यहाँ पे, जैसे कि अगर बारिश हो रही है ना तो बारिश में यहाँ पे ठंड नहीं लगती है क्योंकि हवा नहीं चलती इतनी तकड़ी, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो यहाँ मेरे को ठंड नहीं लगती। बाकी का तो पता नहीं मुझे खुद, बट मैंने एक्सपीरियंस इतना किया कि यहाँ पर मुझे ठंड नहीं लगती जब बारिश होती है, पर बारिश के बाद 1-2 दिन बाद जब हवाएं चलती है ठंडी ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बाकी इंडिया में अगर बारिश होती है तो ठंड इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि बस पूछे मत, बारिश में अगर थोड़े भी गीले हो गए ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बट यहाँ पर तो मैं बारिश में कहीं भी पैदल निकल जाता हूँ, बट मुझे इतनी ठंड नहीं लगी, उल्टा ही सीन है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या सीन है यहाँ का। अगर देखो अब मैं धूप में आ गया, हवा नहीं चल रही है, बट ठंड नहीं है। अब आगे स्ट्रीट पर पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे हवा लगेगी, इतनी ठंड लगेगी, हाँ मज़ा आ रहा है, देखते हैं इस बात में क्या होता है। सोच तो लिया करने का, कर पाता हूँ कि नहीं, पहले आइस की तरफ पहुँचते हैं, आइस मिलेगी कि नहीं, मिल तो जाएगी हाँ, मुझे लगता है डेली स्टोर में या फिर वो मार्ट में तो ज़रूर मिल जाएगी। पहले मार्ट में निकलता हूँ, ये टाइम होने वाला है, कोई भाग ले, 3 सेकंड 2 सेकंड पहुँच गए, ये बिल्डिंग्स अच्छी है, इन बिल्डिंग का हमने रखा है नाम चार धाम। मेरे दोस्त रहते हैं, अब एक नहीं 2-3 रहते हैं, 4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसका नाम हमने चार धाम रख दिया। चलो मिलता हूँ आपको मैं स्टोर में, अभी स्टोर में आ गया हूँ, ढूंढता हूँ आइस कहाँ पे है। हाँ मुझे जहाँ तक लगता है आइस इस सेक्शन में होगी, इसके आसपास, ये मीट सेक्शन है, ओह मिल गया आइस। कितने वो कितने की है, 250 की एक पैक है ना, देखते हैं कितने लगते हैं हमें। वो लेके आता हूँ, बैग लेके आता हूँ उठाने वाला, कहाँ पे है देखते हैं। ओह क्रिसमस ख़त्म हो गया यार, अनियन वनियन लेने की सोच तो रहा हूँ पर बाद में लूँगा। मिल गया, इसमें लेके आते हैं आइस, हाँ ऐसे तो उठा नहीं पाएंगे, ऐसे तो उठा नहीं पाएंगे भाई, देखते हैं। चलो मिल तो गई आइस, टैक्स $2.5 की आइस है मेरे ख्याल में, 2.5 किलो कुछ होगी शायद, मे भी थोड़ा टैक्स लगा के और भी महंगी हो जाएगी। पांच का बंडल ले लिया, देखते हैं मे बी इट विल बी इनफ, मुझे लगता है इनफ होगी।
चलते हैं। ओह भारी है भाई, अब इसको ले जाना एक और चैलेंज है, चैलेंजिंग पार्ट है इसको ले जाना अभी। वाह, मैं सोच रहा था आलू प्याज टमाटर ले जाऊँ, बट नहीं अभी नहीं, बाद में ले जाऊँगा। क्या इस भारी है, मैं थोड़ा 5 मिनट दूर है मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे, लग जाएंगे भाई, भारी है सिस्टम। ये आइस हो गए 2 बैग में, मेरे को लगता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँ। 2 बैग्स में हो गई, ये उठा के देखते हैं पहले, पर एक हाथ से उठ गई तो मैं व्लॉग बना लूँगा। इट्स टू हैवी, ये बहुत भारी है, मेरे को लगता नहीं है, मुझे लगता है मैं घर जाके मिलूँगा शायद। ओह गेट ऑटोमेटिक है, वाह या, ये देखो आइस ले लिए और मैं मिलता हूँ घर पे सीधा, क्योंकि ये 2 बैग में कर दिया इन्होंने यार, भारी हो गया। मैं सोचता रहा था पहले फ्रेंड को लेके आऊँगा, अब मैं आपसे रूम पे मिलता हूँ, बाय। आइस यहाँ पे है, आ गई, लाते लाते थक गया इसको, भारी थी ये, हाँ वीडियो नहीं कर पाया लाते वक्त, बट अब इसको मैं उठा के डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले इसको फिल करके पानी से, आइस इसमें डाल के स्टार्ट कर देता हूँ आज की आइस बात। बड़े दिन से मैं चाह रहा था कि आइस बात करनी है मेरे को, बट टाइम नहीं लग रहा था मेरे को, टाइम था बट मैं आलसी हो रहा था। मैं कोल्ड शावर तो ले रहा था रोज, बट आइस बात लेना था मुझे, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ आज आइस, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, आज दोस्त नहीं, दोस्त और नहीं है घर पे, दोस्त होते हैं मैं तो थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ, दोस्तों के साथ बातें वातें चलती हैं, सब कुछ चलता है, इसलिए कुछ काम नहीं होता, इसलिए मैं आज लेके ही आ गया, कोई नहीं था। तो अब इसको इसमें डालते हैं और शुरू करते हैं, पानी भर के स्टार्टअप चलना, ये आएगा थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना लेके थोड़ी सी पुशअप मार देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी थोड़ी सी गर्म रहे, और पुशअप मार ही देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और आइस पड़ी है यहाँ पे, जब वो फिल हो जाता है तो मैं इसको डालता हूँ, देखते हैं। 83 चैलेंज विल बी लिटिल विद हाफ फॉर मी, आई नो मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा, बट लेट्स सी, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इस चैलेंज की, और मुझे किसी और से ये चैलेंज मुझे किसी और से नहीं करना, आई वॉन्ट टू चैलेंज विद मी ओनली, ये मैं चैलेंज सिर्फ खुद से खुद के साथ कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा, कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं, मैं मे बी 5 मिनट्स के लिए मैंने कर रखा है कि मैं हाँ 5 मिनट पानी में रहूँगा, और देखते हैं कितना देर तक रह सकता हूँ, अपनी लिमिट पुश कर सकता हूँ कि नहीं, लेट्स सी, इस वीडियो में पता ही चल जाएगा आपको। अब मैं हो चुका चैलेंज के लिए रेडी, देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये डाली है, टाइट ही डाली है मैंने, जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, तो ये डाल के मैं लेता हूँ अपना चैलेंज स्टार्ट। मेरा पानी भर चुका है, आपको दिखा दूँ एक बारी, आई थिंक इट्स टाइम टू जंप इन, लेट्स डू इट, लेट्स गो इन। वाओ, ओह फक, ऑफ, हा हा, वाओ,
गाइस 12 बज के हो गए हैं 28 मिनट। मैंने दोस्त को कॉल भी किया है शायद थोड़ी देर में, वो अपने फ़ोन को टाइम लैप्स लगा के रख देता हूँ। अगर आइस को छेड़ो तो ज्यादा ठंड लगती है। वाओ आई एम लविंग इट, आई एम चैलेंजिंग माय फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा और मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूंगा, और मेरे जो दोस्त हैं मित्रगण हैं चैलेंज कर रहे हो तुम्हें, बस मेरे दोस्तों को वैसे चैलेंज नहीं दे रहा मैं, मैंने बोला था उस वीडियो में चैलेंज नहीं दूंगा, बट अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि प्लीज आइस बात लेना, इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तुम्हारे लिए एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और आइस बात शरीर के लिए भी अच्छा है माई फ्रेंड्स। और जो मेरा रूममेट है आर्यन, स्पेशली यू, तुझे मैं तो बोल रहा हूँ आइस बात छोड़ दो, आइस बात छोड़ दो, कोल्ड वाटर शावर लेकर बस हफ्ते में 2 बार लिया गया यार, तेरी बॉडी के लिए अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ इस पानी को मैं अपनी बॉडी के हीट से पूरा पिघला दूँ, बट इट विल बी अ फॉर मी ना। 4 मिनट हो चुके मैं इस पानी के अंदर हूँ, नाउ आई एम कम्फर्टेबल विद दिस वाटर। मैं चाहे रहने को मैं 10 मिनट भी रह सकता हूँ, बट 5 मिनट और थोड़े पर 2-3 मिनट और रह लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू पुश माई लिमिट्स, बट आई नो इट्स माई लिमिट नाउ। बाकी देखते हैं, जा भी सकता हूँ 10 मिनट, अभी 4-5 मिनट हो चुके हैं अभी। अब हो चुके पूरे 7 मिनट्स, और मुझे ये करना है, अपना सर भी अंदर डालना है पानी के। अब मैं मिलता हूँ आपको पानी के बाहर। आई हैव टू शो यू समथिंग, मैंने इस बात ले चुका हूँ, देखो चाहे शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, बट इतना पार्ट मेरा, मतलब ये पार्ट मेरा बॉडी में पानी में नहीं था, बट ये पार्ट रेड हो चुका है अपना, मेरी पूरी लेग्स रेड हो चुकी है। लेट मी शो यू माई लेग, फीट्स दिखाता हूँ, रेड हो गया है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि मैंने आइस बात लिया क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं आइस बात लेने के। वैसे मैं आपको बता दूं, आइस बात के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब मल्टीपल्स फ़ायदे हैं इसके, और उनमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ कि पहला ये होगा कि एनर्जी लेवल बूस्ट कर देता है और स्ट्रेस रिलीफर है, साथ के साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, कोई से बॉडी पार्ट में मसल में कुछ पेन है, तो आप उस पार्ट को वो ठीक कर देगा, उसको हील करने में आपको हेल्प करेगा। और एज वेल एज क्या बोलते हैं, हारमोन्स बूस्टर भी है, मे बी कुछ मैंने गूगल में देखा है ये, और मैंने सुना भी है जो आइस बात लेते हैं बड़े बड़े लोग, पता है आपको। और भी छोटे मोटे और फ़ायदे हैं आइस बात लेने के, और हाँ मूड भी अच्छा करता है, जिससे कि मेरा अभी मूड देख ही रहोगे आपको, मेरा मूड अच्छा हो रखा है अभी इस टाइम पे। और इन फ्यूचर अगर मैं और भी आइस बात लेता हूँ, और जो कि मेरे को लेनी है, अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ अपने, तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी आइस बात चैलेंज रखूँगा, अगर मुझे परमिशन मिली। अभी मैं हूँ, अभी अपने विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं मेरे, विंटर ब्रेक्स मतलब 25 जनवरी तक मेरी क्लासेस नहीं है, 25 जनवरी को मेरी क्लासेस है, तो अगर उस टाइम पे स्नो पड़ती है मेरे कॉलेज में, तो मैं ज़रूर पक्का उधर भी आइस बात लूँगा, और कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो भी आके ले सकता है, मेरे दोस्त वगैरह, और मुझे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और इस बात के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो वो मैं पूछ सकते हैं आप मेरे से। और टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।